सारे लोग बाहर पूरे देश में एक ही सवाल पूछते हैं कि चुनाव के बाद कौन आ रहा है, और आपके विरोधी ये सपना देख रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से पैक कर रहे हैं। तो हम भी जब आए तो हम देख रहे थे कि शायद आपने कुछ पैकिंग वगैरह शुरू की, बोरिया बिस्तर आपका कहीं पैक होते हुए हमें दिख जाए। तो पहला सवाल यही है कि पैकिंग आपने शुरू की या अभी आप यहीं रहेंगे? और हमने तो ये भी सुना है कि आपने 100 दिन का एजेंडा भी अपना अगली सरकार का तैयार कर लिया है। विरोधी लोग क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, उनको सपने देखने का पूरा हक है और अपने ख्वाबों में वो खोए रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैं पूरे देश का भ्रमण कर चुका हूँ, कई राज्यों में अनेक बार जा चुका हूँ, और एक प्रकार से मैं कहूँ तो पिछले 5 साल में दफ्तर में कैद नहीं था, मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मैं जनता में था जी। शायद ही कोई फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा होगा कि मैंने हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने जा करके जनता के बीच समय बिताया ना हो। तो एक प्रकार से मैं जीवंत संपर्क वाला व्यक्ति हूँ, और उस सारे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ जी कि देश की जनता मजबूत सरकार चाहती है जी, देश की जनता निर्णायक सरकार चाहती है, देश की जनता के मन में 2014 में एक क्यूरियोसिटी थी, वे है मोदी जी कौन है, ठीक है गुजरात तो वैसे भी अच्छा राज्य है तो क्या होगा, यहाँ क्या करेंगे, एक कौतुक जैसा भी था। लेकिन 2019 में उन्होंने मोदी को निकट से देखा है, जाना है, समझने का प्रयास किया है, और सबसे ज़्यादा मेरा काम भी बोल रहा है जी। आमतौर पर सरकारें जो चली हमारे देश में, उनको लगता था कि कानून बना दिया तो उनका काम पूरा हो गया, लास्ट माइल डिलीवरी में ज़्यादातर वो राज्यों पर डिपेंड रहते हैं। हमने राज्यों के साथ मिलकर के ग्रासरूट लेवल पर लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया, और जो लाभार्थी थे उनसे भी मैं बातें करता था, जैसे आयुष्मान भारत योजना जी, तो आयुष्मान भारत योजना के जो लाभार्थी उनके साथ बैठता था, उससे मुझे पता चलता था क्या कमी है, क्या मुश्किल है, उसको हम करेक्ट करवाते थे। इन सारे अनुभवों के आधार पर मेरा पक्का विश्वास है, और ये सिर्फ टीवी के सामने बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, मेरा पूरा पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा सीट देने का तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथी दल एनडीए के सभी दलों को भी ज्यादा सीटें देना तय किया है। 2014 में जो लोग, जो राज्य कम थे, जहां हमारा प्रतिनिधित्व कम था, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व, यानी एक पर से पान इंडिया जिसको कहे, वैसा चित्र खड़ा होगा जी। और इसलिए मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ तक बिस्तरा बोरिया का सवाल है, कोई मेरी एक्सपायरी डेट बोल रहा है, तो मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ। तो आपने कभी मन में कहीं ये भी आपके है कि मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि पैकिंग की ज़रूरत पड़ी जाए, तो थोड़ा लोगों को, स्टाफ को ये भी बोल के रखा कि भाई सामान थोड़ा समेटना शुरू कर दो? एक तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है मेरी जिंदगी एक झोले में होती है जी, तो मुझे वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने कहा अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं, 23 तारीख है, तो उनको ख्वाब में खोने दीजिए ना, उनको मजा लेने दीजिए ना। सो यू आर हियर, अगर आप जानकारी दे देंगे जी कि मोदी जी ने कहा कि मैं तो रहने वाला हूँ, तो बेचारों की नींद डिस्टर्ब होगी, उनके ख्वाब गड़बड़ हो जाएगा, तो कृपा करके आप मत बताइए।